एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। प्रियंका गांधी से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि वो चुनाव कब लड़ेंगी और कब संसद में दिखाई देंगी। इस बार ऐसा लग रहा था कि लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की जबरदस्त अटकलें थी, लेकिन पत्ते खुले तो रायबरेली से चुनाव लड़ने प्रियंका के बजाय राहुल पहुंचे। कांग्रेस के लोगों ने इसे मास स्ट्रोक बताया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को डरा हुआ बताकर कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मैं समझता हूं कि प्रियंका जी और भी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही हैं और इसके चलते हुए ये टीम वर्क है जिसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। और जैसा आपने कहा कि ये सस्पेंस नहीं था, ये रणनीति के तहत ये घोषणा की गई ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह और साथ साथ पूरे देश के साथ एक जिम्मेदारी के साथ में रायबरेली अमेठी में कार्यकर्ता पूरे जोर से इस चुनाव में जीत हासिल करने के भिड़ा हुआ है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अब सवाल है कि प्रियंका ने क्यों चुनाव नहीं लड़ा। पत्रकारों ने जब प्रियंका से सवाल किया तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। आपने लड़ने का फैसला किया। शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं और गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अगर रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीतते हैं तो वो रायबरेली की सीट छोड़ देंगे या फिर उपचुनाव में प्रियंका गांधी खड़ी होंगी या राहुल ही रायबरेली से सांसद रहेंगे। इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि रायबरेली की जनता प्रियंका को देखना चाहती थी। रायबरेली के लोगों को साल 1999 की प्रियंका याद है, जब कैप्टन सतीश शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंची प्रियंका ने अपने अंकल अरुण नेहरू को गद्दार कहा था और उन्हें हराने की अपील कर डाली थी। अरुण नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा थे और राजीव मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे, लेकिन बोफोर्स कांड के वक्त अरुण नेहरू वीपी सिंह के पाले में चले गए और साल 1999 के चुनाव में बीजेपी ने अरुण नेहरू को अपना उम्मीदवार बनाया था। कहा जाता है कि प्रियंका के भावनात्मक और आक्रमण भाषण ने अरुण नेहरू के खिलाफ माहौल बना दिया और वो बुरी तरह हार गए। बहरहाल अब रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका का उनके लिए प्रचार करना तय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी दोनों सीट पर कांग्रेस को जीत दिला पाती है या अमेठी के गढ़ कांग्रेस के हाथ से जा चुका है। चुनाव आज तक।